आपके पापा क्या थे फौज में? सिपाही। कौन सी रेजिमेंट में? एएससी। एएससी। और अब आप कौन सी रेजिमेंट में जा रहे हैं? मैं 13 ग्रेनेडियर में जा रहा हूँ एज ए लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। सो हाउ डू यू फील? आई फील वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। एंड हाउ योर फादर फील्स? ही फील्स वेरी प्राउड। ही इज योर फादर? ही इज माय फादर। बाबा जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपका बेटा उसी फौज में जिसमें आप सिपाही थे आज वो ऑफिसर बना है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकले। हाँ, आज आपका बेटा आपसे दो कदम आगे निकला है। हाँ तो बहुत नहीं, 100 कदम आगे निकला है। 100 कदम मुझे आगे निकल रहा है, बहुत ही अच्छा काम करना चाहिए अगर बहुत जो और भी आशा हमारा। आपको डर नहीं लगता कि आपका बेटा फौज में आया है तो फौज में जंग होती है? ना नहीं डर लगता। I received this gold medal for standing first in overall order of merit in passing out course. What inspired you to join army? My father always inspired me to join army because he was in army. Thank him now and always later to fulfill the responsibility that goes in wearing that rank. कभी नहीं सोचा था पर आज फख्र होता है महसूस कि देश का एक हिस्सा बनने जा रहा है और ये सबसे मतलब मैं फख्र से कह सकती हूँ कि ये मेरा कौन है? गिव अ हुरेश वंस वंस मोर हुआ।